सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन यूनिट सेकंड के क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आपको क्वेश्चन दे रखा है 4, द मेन डायमेंशन ऑफ वेरियंस अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। आपको इंटरवल दे रखा है 131 से 140, 141 से 150, 151 से 160, 161 से 170, 171 से 180 और 181 से 190 और नंबर ऑफ पर्सन करके। सबसे पहले तो हम इसका इंटरवल जो वो चेंज करेंगे। आपको बताऊं, देखो 140 और 141, 140 और 141 में जो डिफरेंस है वो 1 का है, और 1 जो डिफरेंस है उसमें मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0.5। तो इसका सेम बिल्कुल इजी रूल होता है कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है लोअर वैल्यू उसमें से तो 0.5 माइनस कर देते हैं, और 140 जो हायर वैल्यू उसमें क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो देखो 130 में से 0.5, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है 0.5, वो इसमें से मैं माइनस करता हूँ तो मेरा जो इंटरवल आता है वो आता है 130.5, और अपर जो वैल्यू आती है वो आती है 140.5। फर्स्ट वैल्यू में से लोअर वैल्यू में से माइनस करना है, और इस वैल्यू में क्या करना है, प्लस करना है। अब देखो 141 में से मैं 0.5 माइनस करता हूँ तो ये आ जाएगा 140.5। और इसी तरह से जो सेकंड वैल्यू है इसमें मैं 0.5 प्लस करता हूँ तो ये आ जाएगा 150.5। 151 में से 0.5 माइनस करता हूँ तो 150.5 माइनस 160.5, इसमें से माइनस किया 160.5 माइनस 170.5, और 171 में से माइनस कर दिया तो 170.5 माइनस 180.5, और अब 180.5 माइनस 190.5। ये मैंने इस इंटरवल को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है बिल्कुल इजी मेथड में, ठीक है ना। इससे पहले जो इंटरवल आपको दे रखा था, इधर जो वैल्यू थी वो थी 131 से 140, और ये 141 से 150, 151 से 160, 161 से 170, 171 से 180 और 181 से 190। ये इंटरवल था जिसको मैंने चेंज कर दिया। ये मैंने चेंज क्यों किया, ताकि ये दोनों वैल्यू क्या है, इसके अपर वैल्यू और इससे नेक्स्ट जो है लोअर वैल्यू, ये होनी चाहिए सेम जब बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू निकलती है, ठीक है। ये हमारे पास इंटरवल आ गया। अब हमको निकालना है मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे। मिड वैल्यू तो इससे भी निकल सकती है, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, या इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं तो सेम ही वैल्यू आएगी। इन दोनों का डिफरेंस 10 में 2 से डिवाइड करके कितना 5, तो इसमें 5 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इसकी मिड वैल्यू जो है, जो इंटरवल की मिड वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 135.5, और ये जो वैल्यू आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी, देखो 145.5, ये आ जाएगा 155.5। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लो, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लो, या इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको 2 से डिवाइड करके लोअर वैल्यू में प्लस कर दो, ये आ जाएगा 165.5, 175.5 और 185.5। देखो जब मुझे मीडियन निकालना हो तो मुझे मिड वैल्यू की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर मुझे निकालना मीन डेविएशन, इसलिए मुझे मिड वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 3, 8, 13, 15, 6 और 5, ये आपको नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो सबसे पहले मैं इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालता हूँ, सी एफ देखो ये 3 है, 8 और 3 को जब प्लस करेंगे तो कितना जाएगा 11, 11 और 13 को हम प्लस करेंगे तो कितना जाएगा 24, ये आ जाएगा 39 में 6 का प्लस करेंगे तो 45 में 5 प्लस किया कितना जाएगा 50 आ जाएगा। तो इससे हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ये आ जाएगी। मीडियन निकालना आपको बहुत अच्छे से आता है, अब आगे समझिए। देखिए यहाँ पर जो आपके पास n की वैल्यू आई या सिग्मा f की वैल्यू आई,
तो n बाई टू की वैल्यू निकालते हैं, सिग्मा एफ की वैल्यू, तो 50 अपॉन टू निकालते हैं, कितना आता है 25। तो n बाई टू की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 25। फॉर्मूला क्या है देखिए, अब देखो 25 से जस्ट ग्रेटर देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है 39 है, कितनी है 39। देन इससे ऊपर की जो वैल्यू है ये c वैल्यू हो जाएगी और ये हो जाएगी f हो जाएगी, तो आपका और ये आपका इंटरवल हो जाएगा फोर मीडियन, ये आपका इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से मैं पिछले वीडियो में भी समझा चुका हूँ, आप इस वीडियो में भी एक बार दोबारा से समझ लें कि n बाई टू सिग्मा एफ बाई टू, 50 बाई टू मेरे पास 25 आया, 25 से जस्ट ग्रेटर देन जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है सी एफ वो 39 है, तो 39 के अकॉर्डिंग एक तो 24 की वैल्यू यूज मिलेंगे, एक इसके अकॉर्डिंग फ्रिक्वेंसी जो है हम यूज मिलेंगे, और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा इंटरवल है उसके लोअर इंटरवल जो है लोअर वैल्यू जो है वो हम क्या करेंगे यूज मिलेंगे। एम का जो फॉर्मूला है वो आप जानते हो, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इन टू आई, ये हमारे पास किसी भी मीडियन का क्या है फॉर्मूला है। इसमें मैं वैल्यू रख देता हूँ, इसमें मैं वैल्यू निकल देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, एल की वैल्यू कितनी है 160.5, अलग अलग वैल्यू में बताया था हूँ, एन बाई टू की वैल्यू आपके पास 25 आएगी, सी की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 24, कितनी आ जाएगी 24, और एफ की वैल्यू जो है मतलब 39 माइनस 24 ये भी यूज में ले सकता हूँ, या डायरेक्ट ये अपने पास कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी, और एल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, एल की वैल्यू जो है 160.5 आ जाएगी, और आई की जो वैल्यू है इंटरवल टोटल कितना इंटरवल दे रखा आपको इधर इसको काउंट करेंगे, ये नहीं काउंट करेंगे, तो ये 10 आ जाएगा, आई की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। ओके, तो ये सभी वैल्यू मैं जब इसके फॉर्मूले में रखता हूँ तो देखो मेरे पास क्या वैल्यू आती है, मीडियन जो आपका आता है मीडियन 160.5 प्लस एन बाई टू 50 माइनस 24 अपॉन 15 इंटू 10, यानी नहीं आता 160.5 प्लस ये हमारे पास आया 26 अपॉन 15 इंटू 10 26। यहाँ पर एक बात बताऊँ, हमारे पास n बाई टू की वैल्यू अपन को यूज मिलनी है, देन यहाँ पर 25 आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 15। 25 में से 24 को जब मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना जाता है 1 अपॉन 15, और इस तरह से ये जो वैल्यू मेरे पास आई, ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 160.5 प्लस ये 2 और ये 3, तो 0.66, तो मेरे पास मीडियन की वैल्यू आती है 161.16, ये मेरे पास मीडियन की वैल्यू आ जाएगी 161.16, ये मेरे पास मीडियन की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से हमने मीडियन निकाल लिया है, बहुत अच्छे से आपको मीडियन समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हमें मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीडियन, तो उसके लिए सबसे पहली स्टेप जो आएगी, जो आपने मीडियन निकाला है उसको एक्स में से हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा एक्स माइनस मीडियन। तो एक्स एक्चुअली ये मिड वैल्यू होती है, ये मिड वैल्यू हुई हमारी क्या है एक्स है, 135.5 में से मुझे 161.16 को माइनस करना है, और इसकी मुझे क्या लेनी है पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ओके, तो यहाँ पर एक वैल्यू को मैं आपको करके बता देता हूँ, फिर मैं आगे वैल्यू डायरेक्ट लिखता हूँ। 135.5 में से 161.16 मतलब मीडियन की वैल्यू को मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 25.66। फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 25.66। ओके, इसी तरह से 145.5 में से जब मैं 161.16 की पॉजिटिव वैल्यू लेता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 15.66
15.66, थर्ड वैल्यू 155.5 में से जब मैं 161.16 में माइनस करता हूँ तो मेरे पास थर्ड वैल्यू आ जाएगी 5.66। इसी तरह से 165.5 में से जब मैं 161.16 मीडियन की वैल्यू को माइनस करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है 4.34। ठीक है, एक वैल्यू मैंने आपको माइनस करके बता दी है, आपको अच्छे से समझा गया। और इसी तरह से हर एक वेरिएबल्स में से मुझे मीडियन की वैल्यू को क्या करना है, माइनस करना है। 175.5 में से जब मैं मीडियन की वैल्यू माइनस करता हूँ तो मेरे पास अगली जो वैल्यू आती है वो आती है 14.34। और 155.5 में से जब मैं मीडियन की वैल्यू माइनस करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 24.34। ओके, इसमें 10 प्लस होता जाएगा, इसमें 10 क्या होता जाएगा, माइनस होता जाएगा। इसके बाद मेरे पास वैल्यू होती है जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, जो मेरे पास ये डेविएशन आया है, इस डेविएशन से, डेविएशन की जो पॉजिटिव वैल्यू है, हर एक डेविएशन की पॉजिटिव वैल्यू को मैं फ्रीक्वेंसी से क्या कर दूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा। मतलब इसको मैं जब 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 6 18 19, 3 5 15 16 6 1 3 2 6 और 1 7 76.98। जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 76.98 आ जाएगा। और इसके बाद जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 6 4 5 5 125.28। जब मैं 8 को जो है 15.66 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 125.28 आ जाएगा। और इसको मैं आप 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 73.58। इसी तरह से जब जो है फ्रीक्वेंसी को 15 को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 15 4 60 6 15 45 6 51 5 65.10। और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 6 6 24 2 6 3 18 19 20 2 6 6 24 25 26 6 2 8 86.04। और 5 को मल्टीप्लाई करूँ 5 4 20 5 3 15 16 17 1 5 4 20 21 21 ए 2 5 2 10 2 12 121.70 86.04 60। ये सभी वैल्यू आएगी। जब मैं इन सभी को प्लस करता हूँ तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आती है 548.68, ये वैल्यू मेरे पास आती है। सिग्मा एफ एक्स माइनस एम ई। ठीक है, तो मेरे को मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। सिंपल सा फॉर्मूला, सिग्मा एफ एक्स माइनस एम ई अपॉन सिग्मा एफ, ये वैल्यू 548.68/50। जब मैं सिग्मा एफ 50 से इसको डिवाइड करता हूँ 548.68 को, तो मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू इसकी आती है 10.97। तो ये ही मेरे इस क्वेश्चन का क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा 10.97। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको एक एक स्टेप समझ में आए, क्योंकि मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ। देखो, इतने लेंदी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन कंसेप्ट आपको तैयार होना चाहिए। क्या पता क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछ ले आपको, क्या पता मीन डेविएशन का सम पूछ ले, डेविएशन का सम पूछ सकता है, या आपको सिग्मा एफ के बारे में पूछ सकता है, आप से इसमें कोई भी छोटी वैल्यू आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और यदि आप किसी भी क्वेश्चन को डिटेल से करते हो तो आपको छोटे क्वेश्चन सभी के सभी आ जाएंगे। और एक्सरसाइज में दे रखा है, इसलिए मैं इसका सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ, मीडियन भी आपको फाइंड करना आराम से आ गया होगा। तो इसी तरह से आपने पहले 3 क्वेश्चन पिछले वीडियो में देख चुके हो, कई दिनों बाद मैंने इसका 4th क्वेश्चन बताया है। कैलकुलेशन में इसमें थोड़ी सी ज़्यादा टफ है, क्योंकि पॉइंट्स में मीडियन हमारे पास आ रही है तो उसको माइनस करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। मैं समझता हूँ इतने बड़े क्वेश्चन संभावना तो कम है आने की, लेकिन क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आने, इसलिए बुक में जो भी मैटर दे रखा है वो हमको अच्छे से सीखना है। तो सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, ऐसे लगातार मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे, और वीडियो को लाइक करते रहे, आगे से आगे अपने फ्रेंड्स को भेजते रहे। अगेन सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू। अब क्वेश्चन नंबर 5 और आगे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बना रहा हूँ। थैंक यू।